हेलो एंड वेलकम गाइस, आज की हमारी वीडियो होने वाली है हिम खाए कैनल की, और ये कैनल बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पे सिचुएटेड है। तो चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको इनके ब्यूटीफुल से डॉग्स दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं जगजीत बाजवा, मैं हिम खाए कैनल से हूँ। मेरे को काफ़ी टाइम हो गया तिब्बतन मैस्टिफ ब्रीड के ऊपर काम करते हुए। मेरे पास सार्स लाइन और ड्राकी लाइन और सुंदरी लाइन के डॉग्स हैं और मैं इनकी ब्रीडिंग करता हूँ, और पप्स भी हैं अभी मेरे पास और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। इनफैक्ट मेरे पास जर्मन शेपर्ड भी हैं, गोल्डन रिट्रीवर भी है और लेब्राडोर भी है, ठीक है। बट तिब्बतन मैस्टिफ के अंदर इस ब्रीड को मैं सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरा लॉयन हेड डॉग है जो, ठीक है, ये सुंदरी लाइन से है और इसका कोट बिल्कुल वैसे है जैसे बब्बर शेर का होना होता है, और इसका कोट भी वहीं पर है जो इसकी यहाँ पे गर्दन के पास पूरा वो चाहिए, हेड के ऊपर चाहिए। इसका कोट बिल्कुल वैसा ही है और इसके पप्स हैं मेरे पास जो ड्राकी सार्स लाइन की फीमेल है उसके साथ इसका मेट होके पप्स हुए हैं। सेकेंडली फ्रेंड्स, ये लेब्राडोर जो फीमेल आप देख रहे हैं वाइट कलर की, ये बहुत प्यारी फीमेल है। ये भी शो में विनर है, BOB है ये और CC विन है ये, और इसका भी बॉडी स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं वीडियो के अंदर। इसका मसल, बोन साइज और हेड और स्ट्रक्चर फीचर्स बहुत अच्छे हैं। ये टकीला की डॉटर है मेरे पास, अभी मैंने इसको ब्रीड नहीं किया, अभी करूँगा इसको ब्रीड, इसके पप्स आने वाले टाइम में होंगे। आप गोल्डन रिट्रीवर देख रहे हो, ये ब्लू की डॉटर है मेरे पास, ठीक है, और काफ़ी एक्टिव है ये फीमेल, और आने वाले टाइम में इसकी भी मैं ब्रीड करके इसको भी इसके पप्स भी अरेंज होंगे हमारे पास। और जो ये जर्मन शेपर्ड आप देख रहे हैं लॉन्ग कोट फीमेल, फ्रेंड्स ये कैस्पर की बेटी है, असैप वॉर्म एल्डमार एक डॉग है जर्मनी के अंदर, VA2 जर्मनी में, एंड उसका सन आया इंडिया में मिस्टर त्यागी के पास, उस मेरी फीमेल थी उसकी ये डॉटर है। तो ये बहुत अच्छे फीचर्स के साथ, इसका कोट बहुत प्यारा है और बहुत अच्छी फीमेल बनी है ये। फ्रेंड्स, ये जो मेरे दो गोल्डन मेल हैं, ये जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये अपना ड्राकी फादर है इनका और मदर लाइन है इनकी सार्स, और बहुत अच्छे फीचर्स आए हैं इनके, और KCI के अंदर चैम्पियन हैं ये डॉग्स मेरे, और बहुत अच्छे फीचर्स के साथ बॉडी बिल्ड बहुत अच्छा, बोन साइज बहुत अच्छा आया है, एंड ये 3 ईयर्स ओल्ड है मेरे पास अभी। सो गाइस, ये देखिए कुछ पपीज़ अवेलेबल हैं। सर, क्या डिटेल है आपके इन पपीज़ की? वैसे ये सुंदरी लाइन और ड्राकी लाइन के पप्स हैं मेरे पास, ठीक है, तिब्बतन मैस्टिफ के जी। ये 64-65 दिन के हैं अभी, ठीक है, और बोन साइज, हेड एंड कोट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। हेल्थी एंड एक्टिव पपीज़ है जी। ये देखिए कितने पपीज़ हुए थे सर टोटली आपके पास? ये मेरे पास 9 पपीज़ हुए थे। ओके, हाँ जी, और कुछ सेल हो चुके हैं, कुछ अभी पेंडिंग है मेरे पास। ये अवेलेबल है जी। और इनकी लाइन वाइन क्या बता रहे थे सर आप? ये सुंदरी लाइन और ड्राकी लाइन के डॉग्स हैं। अच्छा जी, मदर है जो इनकी वो ड्राकी लाइन से है और फादर है वो सुंदरी लाइन से है। ये बेसिकली जैसे कुछ लोगों को नहीं पता होगा लाइन के बारे में, तो ये चाइनीज टाइप में जाएंगे बड़े फर्म? नहीं, ये प्योरली यूरोपियन डॉग है और नेटिव चाइनीज टच है इसके अंदर। ये वो वाला चाइनीज नहीं है जिसका ओवर कोट पूरी बॉडी पे होता है और जिनके अंदर से बदबू आती है और लंबे लंबे उसके हैंगिंग लिप्स होंगे, वो वाले डॉग्स नहीं है ये। बेसिकली सरवाइव कर सकते हैं ये गर्मी में भी और सर्दी दोनों में सरवाइव करते हैं, बट अगर ठंडा मौसम मिले तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। अच्छी बात है। इस ब्रीड के अंदर खासियत ये है कि ये डॉग्स हैं जो, एक तो गार्ड डॉग बहुत अच्छे हैं एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट ब्रीड है ना, इनका जो माइंड सेट है वो बहुत सही है और गार्डिंग भी अच्छी है, और इन ये फैमिली में भी बहुत अच्छे से एडजस्ट होते हैं, और अगर आप एग्रेसिव करना चाहो इसको, जिस पर्पस के लिए यूज़ करना चाहो इस डॉग को, आप यूज़ कर सकते हो। एंड सेकंड थिंग, इनसे स्मेल नहीं आती, पहली चीज़ है ना, एंड उसके बाद ये फालतू का भौंकते नहीं है कि बिना मतलब के, मैंने देखा कई ब्रीड्स हैं वो बहुत शोर मचाती हैं, बंदा दुखी आ जाता है उनको चुप कराते कराते, बट इन द मैटर ऑफ तिब्बतन मैस्टिफ दे आर वेरी इंटेलिजेंट डॉग्स है ना, उनका कोई फालतू लोचे में नहीं पड़ते, वो आराम से अपना मस्त रहते हैं, बट नाइट टाइम की उनकी गार्डिंग एक्टिविटी, जो उनके ब्लड के अंदर जो उनकी प्योरिटी है एंड वो बहुत अच्छे से मतलब काम करते हैं,
और थर्ड थिंग क्या है, जो प्योरली नेटिव तिब्बतियन मैस्टिफ हैं, यूरोपियन टाइप है ना, जो कह सकते हो आप, वो डॉग्स बीमार भी दोस्तों बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। और मेरे पास एक फीमेल है ना, इट्स अबाउट 9 ईयर्स की हो गई है, वो है ना सार्स लाइन की फीमेल है वो। और फ्रेंड्स, मैं उसको शायद 9 सालों में इक्का या दुक्का बार कभी डॉक्टर को दिखाया होगा, इंजेक्शन लगाए होंगे तो हो गई होगी, या एक आधी बार कोई छोटा मोटा हुआ होगा, अदरवाइज कभी प्रॉब्लम नहीं आई। उसके पप्स मैंने रोके थे, अपने पास रिटेन किए हैं, 2 गोल्डन मेल है मेरे पास, उसके बच्चे है ना, और उनको भी उन टचवुड उनसे भी बहुत मेरे को गुड रिजल्ट मिला है, वो भी बहुत अच्छे, द ब्लड इज़ वेरी गुड एंड दे आर वेरी एक्टिव एंड हाईली अप्रिशिएबल। उनकी गार्डिंग वगैरह सब जो पर्पज़ के लिए मैंने उनको रोका, अच्छे से रखता हूँ, उनसे ब्रीडिंग करते हैं या उनको शो में लेके जाते हैं तो वहाँ पे भी वो विनर हुआ डॉग है ना। तो द लॉट ऑफ थिंग्स है ना तिब्बतियन मैस्टिफ के अंदर, आज की डेट में मैंने देखा मार्केट के अंदर बहुत से डॉग्स हैं आज की डेट में। लोग क्या करते हैं, सिर्फ बिग साइज और बालों के ऊपर जाते हैं कि हेयर्स क्या हैं। दो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से आई हैव बीन इन लाइक 2013 से मैं हूँ तिब्बतियन मैस्टिफ में, और 10 साल हो गए मेरे को, और तकरीबन आप ये मान के चलिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फीचर्स। बॉडी इतनी मैटर नहीं करती जितने फीचर मैटर करते हैं, उसका हेड कैसा है, उसका मजल कैसा है, उसके फीचर्स नैन नक्श कैसे हैं ना, और उसका टेल कल्ट कैसा है ना, उसकी काउ हॉक की प्रॉब्लम, वो सब चीज़ें है ना, टॉप लाइन, बोन साइज, उसका कोट है ना, ये सारी चीज़ें, और कोट भी वहाँ जहाँ जहाँ होना चाहिए, ये भी नहीं कि एक सार अगर पूरी बॉडी पे कोट है तो दोस्तों वो फिर फ्रेंड्स वो चाइनीज़ हो जाता है, और उसके हैंगिंग लिप्स होंगे और वही थूक गिराना और बदबू, और मैं उसके बारे में कोई नहीं कहना चाहता, बहुत लोगों ने उसको रिटेन भी किया होगा, बट मैं अपनी इस ब्रीड को पर्टिकुलरली, इनफैक्ट मेरे को बहुत टाइम पहले मेरे फ्रेंड्स और मेरे साथ वाले कहते कि तू ही अकेला ही है जो यूरोपियन को प्रमोट करता है, लोग देख चाइनीज़ की तरफ जाते हैं, इसको मिक्स कर ले इसके साथ। मैंने फ्रेंड्स कभी ये चीज़ नहीं की है ना, मैं पर्टिकुलरली स्टक रहा। अभी डॉग मेरे पास आया एक लॉइन हेड, साल हुआ है मेरे को आए हुए उसको, और उस डॉग का मैंने भी अपनी फीमेल से सास ड्रा की मिक्सिंग की, जो सेंगी और शकीरा की बेटी है उसको मैंने मेट करवाया, उसके साथ बहुत अच्छा रिजल्ट है, पप्स भी आप वीडियो में देखोगे तो वो पप्स का मतलब उनकी एक्टिविटीज़, क्योंकि मैं टीएम को करेक्टर से मानता हूँ, तिब्बतियन मैस्टिफ इज़ नॉट अ डॉग, उसका करेक्टर है तिब्बतियन मैस्टिफ का, पर्टिकुलरली अगर करेक्टर सही है डॉग का तो मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा, अदरवाइज देखो किसी ने किस पर्पज़ के लिए रखा है, घर पे रखा है डॉग, यानी अपनी फॉर्म हाउस पे गार्डिंग के लिए रखा है, या उसने ब्रीडिंग करवाने के लिए रखा है, हर कोई बंदा अपने लेवल पे गुड एफर्ट करता है, मैं किसी को भी वो नहीं करूँगा, बट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू तिब्बतियन मैस्टिफ के अंदर जैसे वर्ल्ड फेमस है ना रिचर्ड एरिक्सन है पंजाब में, इंडिया लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हिम्मत सिंह सेखों हैं है ना, और वो उन्होंने, और हिम्मत सिंह जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं ना उनका भी काफ़ी है, और वन ऑफ माय फ्रेंड हिज नेम इज़ विक्टर संधु एंड वन ऑफ द पर्सन हिज नेम इज़ रूप दयाल, ही इज़ अ ओल्डेस्ट मैन है ना, 92 ईयर्स की एज है उनकी, और उनको भी मैंने टीएम के बारे में बहुत सॉलिड नॉलेज देखी है। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, बट ये है कि आप ब्रीडिंग करके क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो और क्या आप दे रहे हो को जो जिसको जो चीज़ दे रहे हो, अगर वो पर्पज़ उसका पूरा होता है तो ही वो आपको अप्रिशिएट भी करेगा और कल को 4-10 बंदों को बताएगा भी। सो दोस्तों मेरे हिसाब से तिब्बतियन मैस्टिफ में अगर कोई भी बंदा इंटरेस्ट रखता है तो आई प्रमोट के आप नेटिव या यूरोपियन पे ही जाएं, मेरी सजेशन है। थैंक यू।